हाय, दिस इज रफीउल्ला। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम आपको एक मुकम्मल ड्राफ्टमैन बनाना सिखाएंगे। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें ऑटोकैड के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन ये कोर्स थोड़ा सा मुख्तलिफ होने वाला है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेके आपको सिखाएंगे और आपको ड्राइंग के बारे में नॉलेज भी देंगे। तो चलिए बिना टाइम जाया किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑटोकैड के बारे में देख लेते हैं कि जब भी आपने कोई नई ड्राइंग बनानी है तो कहाँ से स्टार्ट लेना है, क्या क्या सेटिंग करनी है, और उसके बाद फिर हम वन बाई वन एग्जाम्पल्स लेके कमांड्स का यूज करते हुए काम को करते जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अच्छा, वर्जन कोई भी हो, ऑटोकैड जो 2D की ड्राइंग्स हैं वो मोस्टली एक तरह से बनती हैं। आपने कमांड्स की शॉर्ट की सीख लेनी है तो आपको इस इंटरफेस से कोई मसला नहीं होगा और आप जो है आसानी से ड्राइंगें बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करें या ये यहाँ पे आप मेन्यू पे चले जाएं न्यू, और यहाँ से काफी सारे टेम्पलेट्स हैं, हम बाद में टेम्पलेट्स भी बना दिखा देंगे आपको। तो ये टेम्पलेट हम ले रहे हैं, एक कैड DWT। ओके, तो ये हमारे पास ड्राइंग ओपन हो गई है। इसमें सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये हमारे पास मॉडल स्पेस है, और अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ पे ये पेपर स्पेस कहलाती है। तो फिलहाल हम मॉडल स्पेस पे ही कंसंट्रेट करेंगे और आने वाले वक्तों में जब हम मजीद कम्प्लेक्स ड्राइंगें बनाएंगे तो हम लेआउट को भी यूज करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास नीचे कुछ टॉगल्स बटन्स हैं, जिसमें से ज्यादातर हम जो यूज करने वाले हैं ये आर्थो का बटन होता है, इसको F8 की इसकी शॉर्ट की है। इससे होता यह है कि आपका जो लाइन है वो सिर्फ राइट एंगल पे लगती है, 90 डिग्री पे या 0 डिग्री पे या 270 या 360 पे। इसके अलावा लाइन या मूवमेंट कोई नहीं, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे स्नैप्स के बटन्स हैं, ये आइसोमेट्रिक्स के बटन्स हैं, ये स्नैपिंग, और उसके अलावा ये सारी शार्ट की जिनके आप पढ़ सकते हैं, F3 से स्नैपिंग होती है, ये सारे हम देखेंगे वो स्नैप क्या होता है, ऑटो स्नैपिंग क्या होती है। तो वन बाई वन जब हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ में हम इनको देखते जाएंगे। यहाँ पे स्केल है, तो मॉडल के अंदर हमेशा स्केल 1:1 रहता है, और यहाँ पे ये ग्रिड देखें जी, ग्रिड चली गई है। इस ग्रिड को आप चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करना चाहें तो ग्रिड सेटिंग में जाके यहाँ से ग्रिड चेंज कर सकते हैं। एनी अभी हमें फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। उसके अलावा ये आपके पास एक नेविगेशन पैनल है, इसको आप अभी 2D ड्राइंग में तो हमें टॉप व्यू के अंदर रह के ही हमने सारी ड्राइंगें बनानी है, लेकिन जब हम 3D में जाएंगे तो फिर इसका यूज होगा और UCS भी यूज करेंगे। यहाँ पे ये भी सब मोस्टली 3D में ही यूज होने वाली चीजें हैं। और यहाँ पे अच्छा, अब आपने ड्राइंग जब भी स्टार्ट करनी है तो आपने सबसे पहले आके ड्राइंग के अंदर यूनिट्स देख लेने हैं कि यूनिट्स क्या हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इस टाइम पे हम टॉप व्यू में बैठे हैं और ये 2D ड्राइंग 2D वायर फ्रेम इसका जो है ना डिस्प्ले ऑप्शन इस टाइम सिलेक्टेड है, और ये इसका कर्सर है ओरिजिन पे, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और जेड डायरेक्शन जो है वो 2D में नहीं होती, लेकिन 3D में जाएंगे तो वो तीसरा इसका यूसीएस होगा। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले यूनिट सेट करते हैं। तो आपने कमांड देनी है यूनिट्स, आपने यूनिट्स की कमांड टाइप करनी है और एंटर करना है। अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ गई हैं। तो अगर आप देखें जी, यहाँ पे यूनिट लेस है, इंचेस है, फीट है, और US सर्व है, माइल्स, मिलीमीटर्स, काफी सारे ऑप्शन हैं। तो हम सबसे जो यूज करने वाले हैं वो मिलीमीटर यहाँ पे यूज करने वाले हैं। प्रिसीजन मिलीमीटर में हम 0 भी कर सकते हैं या 1 डेसिमल हटा कर सकते हैं। तो यूजली मिलीमीटर में इतनी ज्यादा प्रिसीजन हम नहीं लेते होते, तो हम उसको 0 कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ये डेसिमल इंजीनियरिंग फ्रैक्शन साइंटिफिक, तो क्योंकि हम मिलीमीटर में काम कर रहे हैं तो हम ये सिर्फ डेसिमल में ही इसको रखेंगे। एंगल्स हैं, और एंगल की भी प्रिसीजन 0 हमने की हुई है यहाँ पे। अच्छा, एंगल जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है, आई मीन जब आप उसको 45 डिग्री देंगे तो वो काउंटर क्लॉकवाइज ही 45 डिग्री लेगा। अगर आप चाहते हैं कि क्लॉकवाइज ले तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा।
ओके okay. यहाँ पे हम इसको ओके okay कर देते हैं, तो इस टाइम पे हमारे पास यूनिट सेट हो चुके हैं। आप किसी भी टाइम कीबोर्ड से अगर F2 प्रेस करें तो आपने जितनी भी कमांड चूज की हैं इस टाइम तक, वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं। ओके okay. आपने यूनिट सेट कर लिए, उसके बाद आपने टेक्स्ट का स्टाइल यूज जो है ना सेट कर लेना है, उसकी कमांड है ST। ओके okay. तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक ही सब स्टाइल है, तो हम चाहते हैं कि हम एक और स्टाइल बना लें अपना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक न्यू लेंगे और इसका हम नाम देते हैं लर्न टैग -1। ओके okay. यहाँ पे इसका फॉन्ट जो चल रहा है वो एरियल चल रहा है, इसको हम जाके रोम एंड हमारे पास नहीं है। ओके okay. जो हम लेना चाहते हैं ओके okay. हम सिंप्लेक्स ले लेते हैं, और यहाँ पे इसकी हमने हाइट बिल्कुल भी नहीं बता लिखनी, और बिट सेक्टर जो है यूजुअली आप 1 रहने दें या 0.9 कर दें, इससे क्या होगा कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े से क्लोज हो जाएंगे। इसको सेट करंट कर लें और अप्लाई भी हो गया साथ साथ में, तो आपका टेक्स्ट भी सेट हो गया, यूनिट्स भी सेट हो गया। उसके बाद आप एक काम करें कि आप मिलीमीटर डायमेंशन स्टाइल भी साथ ही सेट कर लें, और ये एक दफा आपने सेटिंग करनी है, बाद में जब आप यूज्ड टू हो जाएंगे तो हमें सिंपली कॉपी पेस्ट करना होता है तो ये सब चल जाता है। तो यहां से हम डायमेंशन स्टाइल में जाते हैं, ये डी लिख के एंटर किया आपने तो डायमेंशन स्टाइल में चले गए आप। बिल्कुल हम यहाँ पे भी एक नया बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड से, और यहाँ पे हम इसको देते हैं LT और 1:1। 1:1 मीन हम इसको बता रहे हैं कि ये इसके अंदर हमारा स्केल 1:1 का स्केल है, क्योंकि बाद में हमने बहुत सारे यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल बनाने हैं, तो उनके अंदर फिर जैसे अगर 1:10 का स्केल होगा तो यहाँ पे हम 1:10 रख देंगे, ताकि हमें पता चल सके कि क्या यहाँ पे स्केल चल रहा है। ये आ गया, तो हम चाह रहे हैं कि हमारी ये सारी की सारी जो लाइंस हैं ये रेड हो जाएं, तो यहाँ से इनको रेड पकड़ लेते हैं। देखें जी, एरो वाली लाइंस रेड हो गई हैं और ये नीचे वाली लाइंस भी रेड हो गई हैं। यहाँ पे बेस लाइन स्पेसिंग लेट्स सपोज हम 1 मिलीमीटर कर लेते हैं, एक्सटेंशन भी 1 मिलीमीटर कर देते हैं, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन भी 1 मिलीमीटर कर लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं सिंबल्स में। ओके okay. तो सिंबल में जो एरो का साइज है ये हम 2.25 मिलीमीटर रखेंगे। ओके okay. अब परेशान ना हो इसके बारे में, कोई इशू नहीं है, ये सब सेट हो जाएगा बाद में। ओके okay. ब्रेक स्पेस, ब्रेक साइज भी आपने 2 मिलीमीटर ही रख लेना है। टेक्स्ट पे आते हैं, इसका 2.25 टेक्स्ट की जो हाइट है वो आपने 2.25 रखनी है। आपको याद है कि हमने टेक्सटाइल में हाइट नहीं दी थी, तो अगर हम वहां पे हाइट दे देते तो ये वाली हाइट जहां पे ऑटो पे चेंज ना होती जब हम बाद में स्केल चेंज करेंगे। यहाँ पे अलाइनमेंट हम कहते हैं बिटवीन द लाइंस। ओके और आई थिंक एक चीज रह गई है जी कि प्रसीजन यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रही है, तो प्रसीजन काम करनी है हमने। ओके यहाँ से प्रसीजन हम इसको 0 कर देते हैं, और बाकी राउंड ऑफ 0 किया हुआ है, एंड टेक्स्ट है वो हम चाह रहे हैं कि वो उसका कलर येलो हो जाए, तो टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से येलो कर लेते हैं, और दैट्स इट। आई थिंक ये हमारे लिए काफी है। यहाँ पे अभी इसका स्केल 1 है, जब बाद में हम स्केल चेंज करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे आके हम स्केल चेंज कर देंगे, तो ओवरऑल स्केल हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये जी इन्वायरमेंट हमारा सेट हो गया। यहाँ तक हमने पहली वीडियो में देखा कि नई ड्राइंग कैसे ओपन करनी है, यूनिट्स कैसे सेट करने हैं, टेक्स्ट स्टाइल हमने कैसे सेट करना है, और डायमेंशन स्टाइल हमने कैसे सेट करना है। तो ये तीनों चीजें हमारे पास सेट हो चुकी हैं। अभी आप अगर लगा के भी देखना चाहें डायमेंशन को, लेट्स सपोज हम एक लगा के देखते हैं, ये देखें जी लग गया। तो अभी हम इंशाअल्लाह ये जो फॉन्ट है ये सेट नहीं हुआ, तो चलें जी इसको सेट कर लेते हैं। यहां से हम जाते हैं डी में, इसी को मॉडिफाई करते हैं, और अब डायरेक्टली हम जाएंगे टेक्स्ट में, और हमने बनाया था ये LT1, तो LT1 के अंदर जाते हैं, दोबारा सेट खंड कर लेंगे, तो ये वाला फॉन्ट हमने रखा था वहां पे, सेम वाला फॉन्ट आ गया है। तो फ्रेंड्स ये स्टार्ट था,
और हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और मजीद आगे की तरफ चलेंगे। वन बाई वन हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स करते जाएंगे, कमांड साथ साथ में सीखते जाएंगे, और उसके अलावा हम ड्राइंग्स के प्रोस्पेक्टिव को भी डिस्कस करते जाएंगे। तो ये सब आप जान तभी सकेंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फॉलो करेंगे साथ साथ में, तो फिर आप पूरा का पूरा कोर्स फ्री में देख सकते हैं। तो इस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये कोर्स करके आप बहुत एक जबरदस्त सी स्किल हासिल करने वाले हैं, जिससे आप जो है कल को किसी अच्छी जगह जॉब कर सकते हैं, कोई अपना काम कर सकते हैं, या कुछ और आपको ये यूज हो सकता है। तो ये एक बिल्डिंग स्टोन है, इसके आगे हम 3D में भी काम करेंगे और बहुत से जो है ना जो ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के, वो हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये 2D पे सीखना है, और 2D पे एक दफा ग्रिप हमने मजबूत करनी है, ड्राइंग को समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो उसके बाद फिर हम फर्दर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।